आज पार्टी कार्यालय में, चूंकि आज डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तीनों का अपना कई महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसको लेकर पार्टी की एक कार्यशाला रखी गई है। उसमें आज प्रदेश भर के प्रमुख कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे और उस कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी भी और भी कई प्रमुख लोग इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। बिहार में भाई साहब जिस तरीके की तस्वीर है, बिहार को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार उठापटक चल रही है, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी वापस बीजेपी का दामन थाम। देखिए, बिहार में उठापटक आज से नहीं, लंबे समय से चल रही है, तो ये उठापटक कहाँ तक जाती है और कहाँ जाती है इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसका असर पूरे इंडिया गठबंधन पे पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी को पहले शरण। देखिए, इंडिया गठबंधन तो एक ऐसा गठबंधन है जो बेमेल है, जो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो मजबूरी का गठबंधन है। और आप देखें, बंगाल में जाने से मना कर दिया, उनको नेता मानने से कोई स्वीकार नहीं कर रहा उनको कोई अपना, तो ये गठबंधन किस बात का है? क्या इस बात का कि भारत गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में बाहर निकल गए? क्या धारा 370 हट गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया? किस बात के लिए गठबंधन हो रहा है? इनको अपना एजेंडा भी बताना चाहिए, नेता भी डिक्लेयर करना चाहिए। राजस्थान के कुछ कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में, कईयों की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है, क्या दूसरी पार्टी के नेता जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? बताओ। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेताओं ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की थी और कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी भी कई लोग संपर्क में हैं।